पितृदेव होते हैं या नहीं, अगर वो होते हैं तो उनकी तृप्ति के लिए क्या किया जाए? सचमुच है पितृ अपना राग द्वेष के हिसाब हमारे साथ पूरा करके देह छोड़ के चले गए, तो कोई नड़ने के लिए नहीं आएगा। और पितृ नड़ेगा ही नहीं, हमें क्यों अपने बच्चे को, बच्चे के बच्चे को नड़े? ये गलत मान्यता है। सचमुच ऊपर वाला कोई नड़ने वाला नहीं, पितृ दोष सर्प दोष सब। उसके बदले भगवान महावीर कृष्ण भगवान सभी ने अपने कर्म पूरे किए, हिसाब में आए, कोई दौड़े नहीं शास्त्र अपना ज्योतिष में कि या पितृ दोष सर्प दोष समाधान करने के तृप्ति के लिए, है ना। इतना समझ लेने का किसी का दोष नहीं, हमने कर्म बांधे हैं, हमें कर्म के फल भुगतने पड़ेंगे, समता भाव से पूरे करेंगे। और समता भाव के लिए ज्ञान की बहुत चाबियां मिल जाएगी, ज्ञान की जागृति से समता भाव से कर्म फल पूरे भी होंगे और धीरे धीरे कर्म खत्म भी होते जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं, इन पितृदोष ये तो दूसरे लोग बताएंगे, उनको सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं क्या? पितृदोष का तृप्ति का सब नारायण बलि चढ़ाना पड़ेगा, पैसे हाँ, मांगते हैं क्या? पैसे सब जगह, तो फिर समझ लेने का व्यापारी है वो ग्राहक क्यों छोड़े। हमें समझना चाहिए कि सचमुच हमारे कर्म हमें ही भुगतना पड़ेगा, और हमें कोई कर्म के दंड के लिए पितृ है कि कोई प्रेतात्मा है कोई देख देने वाला है ही नहीं, सचमुच कोई नहीं है। हमारा हिसाब हमें भुगतना पड़ेगा, हम संभाव ज्ञान में रह के पूरा करेंगे कर्म, तो हम छूटेंगे कर्मों से।